पब्लिक टीवी आपकी आवाज। MITGI के अंतर्गत फैक्ट्री ऑफ ऑक्टिटेल्चर कॉलेज में BR के छात्रों द्वारा तैयार किए गए थीसिस प्रोजेक्ट की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य छात्रों द्वारा समाज से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर प्रोपोजल को प्रदर्शित करना है। छात्र छात्राओं के तकनीकी ज्ञान को सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनकी पढ़ाई के 5 सालों द्वारा ट्रांसफॉर्मेशन इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया। सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं ने अपने मॉडल पर कलाकृति द्वारा समाज को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। प्रोजेक्ट प्रदर्शनी में कुल 29 छात्र छात्राओं ने अपने मॉडल एवं कलाकृति को प्रदर्शित किया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स छात्र कुमार मधुर द्वारा तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान होगा। इसकी विशेषता यह है कि विभिन्न खेलों के हिसाब से बैठने की क्षमता एवं दिशा को बदला जा सकता है। और वन कॉम्प्लेक्स छात्र हर्षित तरेजा द्वारा तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट की विशेषता यह है कि शहरी जरूरतों के हिसाब से ऑफिस, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कल्चरल आदि सुविधा एक ही कॉम्प्लेक्स में मौजूद रहेंगी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं अर्बन कॉम्प्लेक्स को प्रथम पुरस्कार मिला। द्वितीय स्थान ओपन प्रिजन प्रोजेक्ट को मिला। यह प्रोजेक्ट पलक कपूर द्वारा तैयार किया गया। इस प्रोजेक्ट की विशेषता यह है कि यह खुली जेल है। इसमें उन कैदियों को रखा जाएगा जिनका व्यवहार अच्छा होगा और उनको कुछ समय के लिए अपने परिवार के साथ यहीं पर रहने की अनुमति देगा। इस प्रकार का प्रोजेक्ट नए भारत की उदार छवि को प्रदर्शित करता है। तृतीय पुरस्कार रेलवे स्टेशन गोमती नगर जुहेर मियां स्कूल ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन जैनिक प्रवीण को दिया गया। उन्होंने लखनऊ के गोमती नगर इलाके में रेलवे स्टेशन को अपने मॉडल के द्वारा बेहतर कुशलता के साथ प्रदर्शित किया तथा स्कूल ऑफ अल्टरनेटिव एजुकेशन मॉडल द्वारा शिक्षा की विभिन्न विमानताओं को विकसित करने के तरीके पर जोर दिया। यहाँ पे हम MITGI में खड़े हैं, MIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के आर्किटेक्चर कॉलेज, MET फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर। आज हमारे यहाँ पे फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो थीसिस का काम करते हैं, उनका आज कंप्लीशन सेरेमनी है। तो उसके अंदर हमने बच्चों को सारा काम हम एग्जीबिशन की तरह से लगाते हैं ताकि उनके पेरेंट्स और गेस्ट, हमारी बाकी की फैकल्टीज उनको देख सकें और बच्चों को और अच्छा प्रमोशन मिले और आगे भी वो फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सके। इसलिए हमें आज हमारे जो गेस्ट हैं यहाँ पे चीफ गेस्ट, उनको यहाँ के महापौर श्री विनोद अग्रवाल जी, उनको एज अ गेस्ट हमने बुलाया है क्योंकि अब स्मार्ट सिटीज़ के काम चल रहे हैं तो उनको भी एक ये एक्सपोजर हो कि यहाँ के कॉलेज के बच्चे कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और उन्होंने वाकई बच्चों को प्रपोजल्स भी दिए हैं कि वो अपना काम जो है वो वहाँ पर जाके प्रेजेंट करें, तो हो सकता है कि बच्चों के प्रोजेक्ट्स जो है वो स्मार्ट सिटी में भी